हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। डिप्रेशन हारेगा और आप जीतेंगे सीरीज़ की पहली वीडियो को इतना लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे कई मैसेजेस मेल पर आए, कई इंस्टाग्राम पर आए जहाँ पर मैंने वो वीडियो शेयर किया था, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना लाइक्स, अपने कमेंट्स, अपना जो भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे एज कमेंट्स भी शेयर करें, सो दैट मैं आगे की वीडियोस में आपकी जो रिक्वेस्ट हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू। तो आइए अब बात करते हैं अपने उन फ्रेंड से जो इन सिम्टम से, इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। हर समय डर लगना, घबराहट होना, दिल बैठा रहना, पूरे शरीर में एनर्जी ना होना, बार बार लो फील करना, इरिटेट फील करना, और ऐसा फील होना कि मैं वर्थलेस हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, और मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं, सुसाइडल थॉट्स आना, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनको दिल पर लेकर बैठ के ओवर थिंकिंग करना, और जो टास्क पहले आप बहुत आसानी से कर लेते थे अब वो टास्क पहाड़ लगना, जैसे कि ऑफिस में कोई मीटिंग अटेंड करना, बाहर से मार्केट से जाके कुछ सामान लाना। जी हाँ, इस तरह की भी प्रॉब्लम्स कुछ मेरे दोस्त फेस करते हैं कि छोटे छोटे टास्क, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको लेकर भी उन्हें डर, घबराहट होती है कि मैं वो करूँ या नहीं करूँ। सो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स जो मेरे दोस्त फेस कर रहे हैं, अब क्या ये डिप्रेशन है या ये डिप्रेशन नहीं है, इस बात को एक मिनट के लिए साइड में रखते हैं, उसकी बात इस वीडियो के एंड के दौरान हम लोग करेंगे। बट अगर आप इन सब सिम्टम से गुजर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम आप पिछले 3-4 महीने से लगातार फेस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो का अगर मैं क्रक्स कहूँ, निष्कर्ष कहूँ, तो वो ये है कि आपको आपकी मदद खुद करनी है। मैं फिर दोहराता हूँ, आपको आपकी मदद खुद करनी है। देखिए, होता क्या है, कोई जो भी पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, या कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है, तो उसको होता, जब उसको ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है, तो शुरू में तो उसे खुद समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है या क्यों हो रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता। यही पहली प्रॉब्लम है कि अपने साथ हो रही प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करना। तो पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ आपके साथ हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ, एक प्रॉब्लम है जो मैं एक फेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत ही ख़तरनाक साइकिल, विशियस साइकिल एक होता है जो साइकोलॉजिकल साइकिल है इस तरह के पेशेंट का। क्या होता है, जब वो इस तरह की प्रॉब्लम में आते हैं तो जाहिर सी बात है जो पेशेंट होता है वो उम्मीद करता है कि जो मेरे परिवारजन हैं, फैमिली है, कज़न्स हैं, वो सब मेरी बात सुनेंगे, वो सब मुझे ठीक करने के लिए पूरी जान लगा देंगे, और मैं उन लोगों की मदद से मैं ठीक हो जाऊँगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी आपके प्रियजन हैं, जाहिर सी बात है वो सब चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। बट डिप्रेशन एकदम से, जब आप सोचिए आप खुद उससे गुजर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स को भी समझने में थोड़ा वक्त लगता है। वो एकदम से ये उम्मीद करना कि वो समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को, वो समझना ही नहीं चाहते मेरी बात को, तो इस तरीके की फीलिंग आने लगती है मन में। अब जब ऐसी फीलिंग आती है तो धीरे 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 रिलेशंस कंस्ट्रेंट होने लगते हैं। एक तो पहले से ही पेशेंट की तबीयत ख़राब, दूसरा वो अपने मन में ये धारणा रख लेता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कज़न्स, मेरे जो भाई बंधु हैं वो समझना ही नहीं चाहते मुझे, तो धीरे धीरे आप कटने लगते हो, आप रिलेशन से खुद को कट ऑफ करने लगते हो, इस तरीके से फिर अपने यार दोस्तों से कटने लगते हो और आइसोलेशन में जाने लगते हो। आइसोलेशन में जाने की वजह से आपकी ओवरथिंकिंग, एंजाइटी कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ने से वापस ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है, इस साइकिल को तोड़ना है,
कौन तोड़ेगा? आप तोड़ेंगे, आपको आपकी मदद खुद करनी है। प्लीज इस बात को ध्यान में रखिए, लोगों को अपनी प्रॉब्लम के लिए दोष देना बंद कीजिए। ये जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये किसी की वजह से नहीं है, कोई भी आपका प्रियजन, दोस्त, फैमिली, कोई नहीं चाहता था कि आपको ये हो। बस ठीक है, एक चीज़ हो गई है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए। लोगों, दूसरा पॉइंट है, लोगों को दोष देना बंद कीजिए। पहला पॉइंट था अपनी मदद खुद करनी है, दूसरा पॉइंट था लोगों को दोष देना बंद कीजिए। लोग, हर आदमी आज की डेट में अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप खुद सोचिए, आप एक ये घबराहट की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो दूसरा आदमी किसी और प्रॉब्लम से गुजर रहा है। 10-15% लोगों को छोड़ दें तो बाकी मैक्सिमम जितनी जनता है, कोई फाइनेंशियली सुखी है तो हेल्थ वाइज दुखी है, कोई हेल्थ वाइज सुखी है तो फाइनेंशियली दुखी है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी का बॉस खराब है, हज़ार तरह की प्रॉब्लम है। हर आदमी अपनी अपनी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उससे वो बैटल कर रहा है। तो प्लीज़ खुद को विक्टिम बनाना और लोगों को दोष देना बंद करना होगा आपको। आपको किसी की सिंपति नहीं लेनी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपको किसी की सिंपति नहीं लेनी है। आप अपने लिए सक्षम हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आप खुद को स्वयं ठीक कर सकते हैं। आसपास वालों का प्यार बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको मिलेगा भी, बट अपनी एक्सपेक्टेशन ज़रूरत से ज़्यादा मत बढ़ाइए, उससे रिलेशंस ख़राब होंगे और आपकी प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। अब तीसरी बात कि हमें सॉल्यूशन की मैंने बात की, तो हमें सॉल्यूशन में क्या करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, डिनायल मोड में नहीं रहना है कि नहीं नहीं ये वहम है, अरे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा। नहीं, एक समय से अगर 2-3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है, एक्सेप्ट करना है। अब मिनिमम बेसिक चीज़ें जो आप कर सकते हैं, कम से कम वो तो करिए। मेरी अरे अभी जो मैं बातें बोलने वाला हूँ, हो सकता है वो आपको लगेगी ये तो बहुत ही जनरलाइज बातें हैं, ये तो सबको पता है। अरे सबको पता है, पर अप्लाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद लाइव अपने फादर के केस में देखा है कि जब उन्होंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में उतारी तो वो ठीक होना शुरू हो गए। पहली और सबसे सिंपल चीज़, सुबह मॉर्निंग वॉक और शाम को इवनिंग वॉक, ये दो चीज़ें आपको हमेशा हर हालत में करनी ही करनी है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। दूसरा, अगर आप किसी भी तरह की और एक्सरसाइज करना चाहें, जैसे मेरे फादर के केस में वो सिर्फ 2 तरीके का प्राणायाम कर पाते थे, अनुलोम विलोम और कपालभाति, इससे ज़्यादा वो नहीं करते थे, क्योंकि देखिए डिप्रेशन के पेशेंट का या जो ऐसे घबराहट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे पेशेंट का को अगर मैं बता दूं कि ये 10 तरह के योग आसन हैं और ये सब करने हैं, देखिए वो सब फ़ायदा तो करते हैं बट करने की हिम्मत नहीं होती, एटलीस्ट शुरू शुरू में तो नहीं होती। इसीलिए अपने ऊपर बहुत ज़्यादा लोड मत डालिए, बट मिनिमम बेसिक चीज़ें जो हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और कुछ एक्सरसाइज या प्राणायाम, जो भी आपको सूट कर सकता है, आप अपनी रूटीन खुद बनाइए, मिनिमम बेसिक। मेरे फादर की रूटीन यही थी, सुबह वॉक करते थे और शाम में वॉक करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना डिस्टेंस बढ़ाया और प्राणायाम सिर्फ एक टाइम सुबह करते थे, वो लगभग 20-25 मिनट्स अनुलोम विलोम और 20-25 मिनट्स कपालभाति वो करते थे। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट लगे, बट कुछ ना कुछ ज़रूर स्टार्ट कीजिए। ये पहले 1 महीने में कोई रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिए। कम से कम एक चीज़ तो पक्की है ना, कि ये चीज़ें अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान नहीं करेंगी किसी भी तरीके का। सो आप बस बढ़ते जाइए, 1 महीना कुछ नहीं सोचना, आप मुझे अपना दोस्त मान के मेरी बात का यकीन कीजिए, 1 महीना बस करते जाइए, उसके बाद आपको कहने की, मुझे आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप आराम महसूस होना लगेगा। तीसरी बात, अपनी फूड पर, डाइट पर, अगेन मैं कह रहा हूँ, आप देखिए ये बातें सुनना कि वॉक करना, एक्सरसाइज करना, डाइट, ये तो सबको पता है। अरे सबको पता है, आप अपने से मतलब रखिए, एज एन इंडिविजुअल क्या आप ये सब चीज़ कर रहे हैं? नहीं कर रहे थे तो अभी तक चल गया था, बट अभी आपको एक प्रॉब्लम है, डर है, घबराहट होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसका काट निकालना है हमें, और वो कार्ड ज़रूर निकलेगा। कौन निकालेगा? आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये बेसिक चीज़ें अडॉप्ट करके। देखिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि साधु बन जाना है एकदम से, कि ये मत खाओ पिज़्ज़ा बर्गर सब बंद कर दो, ये सब, देखिए वो डिसीज़न आपको लेना है, बट एटलीस्ट अति नहीं करनी है किसी चीज़ की। अगर अभी तक हम कर रहे थे तो अब नहीं करनी है।
थोड़ी थोड़ी चीज़ थोड़े क्वांटम में कभी ले ली, वीकेंड में एक बार फास्ट फूड हो गया। मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट एक मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर मैं अभी कह दूँ कि नहीं सब बिल्कुल सात्विक खाना होना चाहिए, तो वो प्रैक्टिकली संभव बहुत सारे लोगों के लिए एटलीस्ट नहीं होता है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि नॉर्मल घर का खाने के अलावा भी अगर आप बाहर का भी कभी कभार खाते हैं, तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी कम से कम कम कर दें, सो दैट आप एक बैलेंस बना के चलें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल से सब छोड़ देंगे, तो फिर वो भी एक ओवर थिंकिंग का फैक्टर बन जाता है कि मैं कैसी लाइफ जी रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ करके। ठीक है, सो अपनी डाइट का आपको कंट्रोल रखना है। इसके अलावा अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को लगातार 3-4 महीने से फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने किसी भी जिस भी डॉक्टर को आपके आसपास आप जानते हैं, या जो भी कोई आपको रिकमेंड करता है, कोई अच्छा डॉक्टर है, तो उसके पास जाने से हिचकिचाएं नहीं। इसको टबू मत समझें, इट इज़ ओके। जैसे एक कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, हमें कोई बीमार हो जाता है, फीवर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, जाते हैं, उसी तरीके से सिर्फ ये एक सिंपली एक प्रॉब्लम है जिसकी आप मेडिसन्स लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि मेडिसन्स लेनी है या नहीं लेनी है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको एक टैबू नहीं समझना कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहें, परेशान रहें, और 5-6 महीने एक्सरसाइज करने से खाली या डाइट का अकेला डाइट कंट्रोल करने से सपोज़ आपको उतना आराम नहीं मिल पा रहा जितना चाहिए था, तो आपको आपके डॉक्टर से जाकर भी बात करनी है। डॉक्टर्स जो मेडिसिन देंगे देंगे, साथ में जो भी हमने बातें की हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपको जल्दी आराम पहुँचेगा। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ना आप डॉक्टर हैं ना मैं डॉक्टर हूँ, हमें डॉक्टर्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करना है। मैं जो भी आपसे बातें शेयर करता हूँ, वो इस बेसिस पर करता हूँ कि मैंने 9 साल अपने फादर को धीरे धीरे एक धीरे 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 करते इम्प्रूव करते हुए देखा है। क्या चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने उनकी मदद की, उनको डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिली, और बस उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे बातें शेयर करता हूँ। मैं इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए आपसे बार बार कहता हूँ, दिन में 2-3 दफ़ा आपने दोहराना है, मैं ठीक होऊंगा, मैं ज़रूर ठीक होऊंगा या होंगी, और इस जो ये मेरा एक फेज़ है, ये सिर्फ एक बैड फेज़ है। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये टेम्परेरी फेज़ है, ये ज़रूर ठीक होगा, और कौन आपको ठीक करेगा? आप खुद, और आपके साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और मैं आपका दोस्त आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार।